पिछले कुछ दिनों से, मतलब 4-5 दिनों से मैं बॉट के बॉट एयरड्रॉप्स 420 को यूज कर रहा हूँ। मतलब मैंने अनबॉक्सिंग करने के बाद इनको टेस्ट किया है और अब अपन इस रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अब बात शुरू करेंगे अपन बिल्ड क्वालिटी से। सो सबसे पहले अपन चलते हैं मतलब केस की बिल्ड क्वालिटी पे। तो यहाँ पे जो केस है गाइस, वो पूरा प्लास्टिक बेल्ट आप देख सकते हो और मैट जैसा फिनिश है, काफी सॉलिड फिनिश दिया हुआ है और काफी सॉलिड क्वालिटी भी है यार। मतलब काफी अच्छा लगा मुझे, प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है। और अगर अपन मैग्नेट की बात करें, मतलब जो मैग्नेट का क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा, आप देख सकते हो मतलब इजिली ऐसे अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ईयरबड्स है वो मतलब केस से नहीं गिरे हैं, तो जो अंदर वाली मैग्नेट है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल जो बेल्ट क्वालिटी वो प्रीमियम, मतलब प्रीमियम बोल सकते हैं, सॉलिड बिल्ट क्वालिटी बोल सकते हैं, अच्छी है ओवरऑल बिल्ट क्वालिटी। अगर अपन बात इसके डिजाइन की करें तो वो काफी ज्यादा यूनिक है। मतलब ये अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, आप देख सकते हो, मतलब सिर से भी हो सकता है और पैरों से भी हो सकता है। तो मतलब काफी यूनिक केस बनाया बोट ने, तो ये चीज थोड़ी सी अलग लगी मेरे को। नॉर्मली ऐसे केस नहीं होते हैं TWS के, लेकिन बोट ने काफी अलग काम किया है। ओवरऑल मेरे को थोड़ा ठीक ठाक सा केस लगा, डिजाइन केस का ठीक ठाक लगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी। अब अपन बात ईयरपीस की कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अलग डिजाइन है और काफी तगड़ा डिजाइन है। मतलब मेरे को ये TWS इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इनका जो डिजाइन है वो काफी तगड़ा है भाई, मतलब काफी यूनिक डिजाइन है। अगर बात मैं इनके बिल्ड क्वालिटी की करूँ तो सॉलिड है भाई, जो प्लास्टिक यूज किया है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे पूरा प्लास्टिक है और जो प्लास्टिक की क्वालिटी वो ओके है। और इस साइड में जो टच दिया हुआ है, इस पे अलग डिजाइन किया हुआ है ग्लॉसी टाइप से, तो वो अलग से दिख। और गाइस यहाँ पे एक LED लाइट भी है जो आपको ऑन ऑफ का सिंबल बता देती है। तो यहाँ पे जो डिजाइन है इसका वो काफी अच्छा है, ओवरऑल जो क्वालिटी है वो भी काफी तगड़ी है। अब गाइस बात मैं करूंगा साउंड क्वालिटी की और बेस क्वालिटी की। तो देखो बॉट जो कंपनी है उसकी साउंड क्वालिटी मेरे को हमेशा से ही हर प्रोडक्ट की अच्छी लगती है, चाहे वो प्रोडक्ट मतलब कितनी भी कम प्राइसिंग में हो या कितनी भी हाई प्राइसिंग में हो। मतलब ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, ये प्रोडक्ट है वो भी जस्टिफाई करता है, वैल्यू फॉर मनी लगा मेरे को। मतलब इसका जो साउंड है वो मेरे को अच्छा लगा, जस्टिफाई कर रहा है। मेरे को ये 1200 रुपये में पड़े हैं, लेकिन आप नॉर्मली अगर ऑफ सेल लोगे तो आपको 1800 में मिलेंगे और सेल में आपको 1200 में मिल जाएंगे। तो अगर आप इसे 1000 में लोगे तो भाई बेस्ट डील होती है, लेकिन अगर आप इसे 1800 में लोगे तो भी यार ये मतलब अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। मतलब अच्छा काम करता है इनका साउंड क्वालिटी, जो वोकल्स है वो एकदम क्लियर आते हैं, जो मतलब छोटा छोटा मिड्स होता है और जो भी जितने छोटे साउंड होते हैं, मतलब एकदम डीप साउंड आपको अच्छे से आएगा। अगर इस बात बेस की करें तो बेस एकदम बूस्टेड है और मैंने इसको 70 के ऊपर कभी यूज नहीं किया। 70 भी मेरे को थोड़ा ज्यादा ही लगा, नॉर्मली मैं 30-40-50 तक मैक्स रखा। और यार 70 तक मैंने इसको टेस्ट किया, मतलब चेक किया कि 70 पे कैसा काम करता है, 100 पे भी चेक किया, लेकिन 70 तक ठीक लगा मेरे को। बेस बूस्टेड है और काफी अच्छा बेस आता है। तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी में तो भाई आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, काफी तगड़ा काम किया है बोट ने यहाँ पे। देखो एक बार कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्लूटूथ 5.0 भाई, सो एक बार कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भाई एक बहुत ही तगड़ा वाला फीचर है। नॉर्मली TWS में क्या होता है कि आप जब अपने ईयरबड्स को बाहर निकालते हो तब वो ऑन होते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे आप जैसे ही केस को ओपन करते हो तो ये कनेक्टिंग मोड में चले जाते हैं और आपका फोन का ब्लूटूथ अगर ऑन होगा तो ये तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे। अगर ये केस के अंदर होंगे तो भी कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं कनेक्टिविटी डिस्टेंस की बात करूँ तो 7 मीटर के आसपास आप मान सकते हो, 20 से 25 फुट के बीच में आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो कनेक्टिविटी स्पीड है वो काफी फास्ट है भाई, मतलब 1 से 2 सेकंड में पेयर हो जाते हैं। यहाँ पे जो दोनों ईयरबड्स है मास्टर ईयरबड्स है, तो आप एक टाइम पे एक को भी यूज कर सकते हो, ये चीज भी काफी अच्छी है। अगर आपको दोनों यूज नहीं करने, आपको सिंगल वाला यूज करना है राइट या लेफ्ट, तो आप वो भी कर सकते हो क्योंकि दोनों मास्टर ईयरबड्स है, तो ये चीज भी काफी अच्छी है। और गाइस इसी के साथ हमें वाटर रेजिस्टेंट और मतलब स्वेट प्रूफ भी देखने को मिलते हैं। इसमें हमें IPX4 की रेटिंग देखने को मिलती है, तो अगर थोड़ा बहुत पानी इन पे गिरेगा तो ये सह लेंगे, मतलब ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और गाइस उसके बाद में एक और चीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ईयरबड्स हैं इनमें दोनों में हमें टच कंट्रोल देखने को मिलता है, और ओवरऑल यार इस प्राइसिंग में मेरे को सबसे बेस्ट टच कंट्रोल लगा इनका। अगर आप सिंगल टैप करोगे तो प्ले पॉज हो जाएगा, और अगर आप डबल टैप करोगे तो मतलब सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा, अगर आप लेफ्ट वाले पे डबल टैप करोगे तो सॉन्ग प्रीवियस हो जाएगा। और गाइज अगर आपको यहाँ पे कॉल डिस्कनेक्ट करना है तो आपको लगभग 0.5 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के आसपास इसको मतलब प्रेस करके रखना है। अगर आपको गूगल असिस्टेंट यूज करना है तो आपको 2 सेकंड के आसपास इसे प्रेस करके रखना है। तो ओवरऑल यार ये फंक्शन काफी अच्छे और काफी अच्छी तरीके से काम भी करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो लगा दी होगी जिसे आप देख सकते हो, काफी तगड़े मतलब काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काफी कम है और काफी सही है। अब गाइज बात में अगर चार्जिंग और बैटरी की करूँ तो यहाँ पे अपन पहले चार्जिंग की बात करते हैं। तो जो बॉट के प्रोडक्ट आते हैं इसमें एक SF चार्जिंग का ऑप्शन होता है जो काफी तगड़ी होती है भाई, काफी तगड़ी और काफी फास्टली वर्क करती है। यहाँ पे हमें बॉट एयरड्रॉप्स 420 में भी ये देखने को मिलती है, ये 5 मिनट चार्ज होंगे तो ये 40 मिनट के आसपास का प्लेबैक टाइम दे देंगे,
तो ओवरऑल काफी तगड़ा ये प्लेबैक टाइम। और अगर मैं ओवरऑल चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो लगभग लगभग 100 मिनट के आसपास लगाएंगे फुल चार्ज होने में। ओवरऑल भाई ठीक है, 100 मिनट कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आराम से आप मतलब 5 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 40 मिनट का प्लेबैक मिल जाएगा, वही बहुत तगड़ी चीज है। तो ऐसे चार्जिंग काफी अच्छी है। और इसी के साथ हमें चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, तो अगर आपके पास टाइप सी वाला फोन है तो आप इसे ले लेना, क्योंकि भाई आपको फिर माइक्रो यूएसबी लेने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका मतलब एक केबल से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर अब मैं बात बैटरी की करूँ तो ये 15 घंटे के आसपास का बैकअप हमें आराम से दे देते हैं सिंगल चार्ज में, ये मतलब 4 घंटे के आसपास चल जाते हैं। मतलब कंपनी क्लेम करता है कि ये जो केस है 4 बार इनको फुल चार्ज कर देता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि ये 4 घंटे के आसपास चल जाते हैं। और मतलब आप मान सकते हो 15 घंटे का बैकअप आपको मिल जाता है इसके अंदर। तो ओवरऑल बैकअप और जो एसएफ चार्जिंग का मतलब कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। 15 घंटे भाई ठीक है, और आपको चार्जिंग फास्ट मिल ही रही है, तो ये कॉम्बिनेशन तगड़ा बैठ जाता है। और गाइज अगर ड्राइवर्स की बात करें तो इसमें हमें 10 mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं। और भाई ड्राइवर अगर कम भी होता है ना तो चलता है, मेन जो साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की बात होती है, और यहाँ पे साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ड्राइवर मतलब ठीक है 10 mm का है, यहाँ पे कुछ कंपनियाँ यहाँ पे 12 या 13 mm का भी ड्राइवर देती है, लेकिन 10 mm का ड्राइवर काफी है, क्योंकि ओवरऑल इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। इसी के साथ गाइस ये IWP टेक्नोलॉजी पे आता है, मतलब सिंपली जैसे ही आप केस को ओपन करोगे तो नॉर्मली ये पेयरिंग मोड में चले जाएंगे, और आपके मतलब ब्लूटूथ अगर आपका ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे केस ओपन करते ही। और अगर कंक्लूजन की बात करें, देखो सब कुछ को मिला के तो भाई 1800 रुपये प्राइस ये जस्टिफाई करता है। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आता है, जो बेस क्वालिटी वो अच्छी है, जो साउंड क्वालिटी है वो भी अच्छी है, जो चार्जिंग और बैटरी का कॉम्बिनेशन है वो मस्त है, मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बैकअप ठीक है। और उसके बाद अगर अपन डिज़ाइन का बात करें तो डिज़ाइन बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही मस्त वाला है, मतलब इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और इनका डिज़ाइन यूनिक है, जो केस है वो यूनिक डिज़ाइन का, और ये डिज़ाइन पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और जो बेल्ट है वो भी ओके है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि भाई 1800 रुपये की प्राइसिंग में अगर आपको ये मिल रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करो सेल वगैरह का, ये आपको 1500 से 1000 में मिल जाएगा। मुझे 1200 रुपये में मिला है, और नॉर्मली कुछ सेल में ये 1000 में भी मिला हुआ है लोगों को, तो आप 1800 पे भी इसे ले सकते हो, जस्टिफाई करता है ये 1800 रुपये। काफ़ी तगड़ी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, लगभग लगभग 1 लाख से ऊपर रेटिंग है इसकी फ्लिपकार्ट पे, तो आप सोच सकते हो कितना बिका है ये प्रोडक्ट। तो ओवरऑल काफ़ी तगड़ा प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कोई बाहियात प्रोडक्ट है, काफ़ी तगड़ी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सेल में लेना, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। और बाकी यार लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेस्ट बाय लिंक, तो वहाँ से परचेज करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी मतलब परचेज कर लेना, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जो भी आपका मन करे कर लेना। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है मैं ये बोल सकता हूँ। अगर मैं ओवरऑल मेरी रेटिंग दूँ, मेरी तरफ से अगर मैं 1200 रुपये के हिसाब से रेटिंग दूँ तो मैं दूंगा 8.5 out of 10। और भाई इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे कोई नए वीडियो में, और थोड़ा भाई कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की जल्दी कोशिश करते हैं, तो सपोर्ट दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 लाख सब्सक्राइबर्स का है इस साल का, मतलब इस साल होना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन सब्सक्राइब करो यार, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, मुझे इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जल्द मिलेंगे कोई नए वीडियो में, बाय बाय।